पढ़ाई घर से हरिमा इंटरनेशनल स्कूल के साथ मैं संतोष श्रीवास्तव आप सभी को क्लास 9 चैप्टर 2 के बारे में बता रहा था। कल की क्लास में हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ब्लड कनेक्टिव टिशू के बारे में पढ़ेंगे। यह टिशू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, यानी कि परिवहन का कार्य करता है, इसलिए इसे हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिशू भी कहते हैं, यानी कि संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये पूरी बॉडी में फैलने वाला तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ब्लड कनेक्टिव टिशू है। इस टिशू का बेस मैट्रिक्स प्लाज्मा नाम का लिक्विड मटेरियल होता है, जो कि फाइबरलेस होता है, यानी कि तंतुरहित होता है। इस मटेरियल में अनेक प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें ब्लड कार्पसकल्स कहते हैं, यानी कि रुधिराणु कहते हैं। इस प्लाज्मा का निर्माण ब्लड कार्पसकल्स द्वारा नहीं किया जाता है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिशू टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट आपका ब्लड एंड सेकेंड लिम्फ। तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड रेड कलर का, स्टिकी, वाटर से कुछ हैवी, टेस्ट में साल्टी यानी कि नमकीन लिक्विड मटेरियल है। यह ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तथा इसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल होती है, यानी कि गंध होती है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी बॉडी के वेट की लगभग 7 से 8% होती है, अर्थात 70 kg के ह्यूमन में इसकी औसतन मात्रा लगभग 5 to 6 liter होती है। ब्लड की सेल्स में डिवाइडेशन नहीं होता है। ब्लड के निर्माण के प्रोसेस को हम लोग हेमोपोएसिस कहते हैं, जो कि रेड बोन मैरो में होती है। ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इसका लिक्विड पार्ट, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, तथा दूसरा इसका सॉलिड पार्ट, जिसमें ब्लड कार्पसकल्स शामिल हैं। अब हम लोग रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पसकल्स के बारे में पढ़ेंगे। यह ब्लड का लगभग 45% पार्ट्स बनाती हैं। ये 3 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट RBC, सेकेंड WBC एंड थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स। यानी कि RBC हो गई आपकी लाल रुधिराणु, WBC श्वेत रुधिराणु और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम लोग RBC के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसकल्स और एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कॉर्पसकल्स को सबसे पहले लीवेनहॉक ने 1674 में छोटे ओवल पार्ट्स के रूप में देखा। ये केवल वर्टिब्रेट्स के ब्लड में पाई जाती हैं। इनकी एवरेज नंबर 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। मैमल्स की RBC बाइकॉनकेव और न्यूक्लियस रहित होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। RBC में ओरिजिन के समय यानी कि उत्पत्ति के समय न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन ये मैच्योर होने के बाद गायब हो जाता है। अपवाद के स्वरूप ऊंट और लामा ऐसे मैमल्स हैं जिनकी RBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये 2 एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, अदर में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ये संख्या में बहुत कम, साइज में बड़ी, कलरलेस और केंद्रीय होती हैं। मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 5 टू
9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इनकी संख्या में अधिक वृद्धि को ल्यूकोसाइटोसिस तथा इनकी संख्या में कमी को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। WBC की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ तथा स्वयं की ब्लड कॉर्पस को नष्ट करने की कंडीशन को ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। WBC में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैच्योर WBC में डिवाइडेशन नहीं होता है। WBC को साइटोप्लाज्म और केंद्रक के यानी कि न्यूक्लियस के बेस पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका ग्रेनुलोसाइट्स और सेकंड है आपका ए ग्रेनुलोसाइट्स। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।